तो है सब ठीक ठाक। तो हाँ, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा हाईक्यू एपिसोड 10 से लेकर एपिसोड 12 तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दाइची कारासुनो को मोटिवेट करता है और फिर थोड़ी देर बाद कारासुनो और फुरोको दानी का मैच स्टार्ट होता है, जहाँ असाही सर्व करता है, जहाँ फुरोको दानी का प्लेयर रिसीव करके ओकुटो स्पाइक करता है और कागेयामा और सुकिशिमा ब्लॉक कर देते हैं। फिर फुरोको दानी सर्व करती है और निशिने रिसीव करके कागेयामा बॉल सेट करके सुकिशिमा स्पाइक करता है, पर फुरोको दानी का प्लेयर कवर कर लेता है और बोकुटो स्पाइक करता है, पर क्योंकि कागेयामा सुकिशिमा असाही ब्लॉक कर देते हैं इसलिए बोकुटो कट शॉट देके स्कोर कर लेता है। और ये देखकर सब हैरान रहते हैं और टकेड़ा बोकुटो की तारीफ करता है। फिर हिनाता कोर्ट में आता है और हिनाता बोकुटो की बातों को याद करता है और कागेयामा बॉल सेट करके हिनाता स्पाइक करता है, पर वो टिप करता है स्लो हिट करके और स्कोर कर लेता है, जिसपे कारासुनो के साथ फुरोको दानी भी बहुत शॉक होते हैं। बोकुटो बोलता है कि उसने टिप किया, जिसपे आकाशी बोलता है तुमने ही उसे ये अटैक बताया था, जिसपे उसके अलावा टीम वाले बोकुटो पर गुस्सा होते हैं। फिर बोकुटो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं स्कोर नहीं होने दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद कागेयामा सैटर डंप करके स्कोर कर लेता है, जिसपे उकाई देखता है कि कागेयामा काफ़ी शांत होकर खेल रहा है। फिर कागेयामा हिनाता की मन ही मन तारीफ करता है। फिर तभी हिनाता नेट के पास लेफ्ट साइड जंप करता है और कागेयामा सोचता है कि क्या वो न्यू फास्ट अटैक करना चाहता है। फिर हिनाता कागेयामा को देख रहा होता है, कागेयामा बॉल थ्रो करता है और हिनाता हिट करके स्कोर कर लेता है और कागेयामा और हिनाता ये दोनों खुश होते हैं कि उनका फास्ट अटैक सक्सेसफुल हुआ। बोकुटो आकाशी से कहता है कि हम भी ये ट्राई करें, जिस पर आकाशी कहता है कि हमने इस पर अभी काम नहीं किया इसलिए हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर याची भी हिनाता और कागेयामा को देखकर खुश होती है। केनमा कुरो से कहता है कि हिनाता हमेशा कुछ नया ट्राई करता है, जिस पर कुरो भी एग्री करता है। फिर उकाई टकेड़ा को पहला फास्ट अटैक और अभी का न्यू फास्ट अटैक के बारे में बताता है। फिर उकाई शैतानी हंसी हंसता है कि वो इस फास्ट अटैक का और भी यूज़ करेगा। फिर थोड़ी देर बाद दाइची कहता है कि अब अपर क्लास का चमकने का टाइम आ चुका है। फिर निशिनोया मिड एयर में बॉल सेट करता है और असाही स्पाइक करता है, पर बॉल बाहर की तरफ गिर जाती है, जिससे निशिनोया फ्रस्ट्रेट होता है और असाही उसे शांत करता है। फिर दाइची सुकिशिमा तनाका और असाही ये चारों भागते हैं और दाइची मन में कहता है कि अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन अटैक फर्स्ट टेम्पो से। फिर चारों जंप करते हैं और कागेयामा बॉल सेट करके तनाका स्पाइक करके स्कोर कर लेता है। फिर कारासुनो ये सब स्कोर करते हैं और फिर ब्रेक होता है और उकाई कारासुनो को मोटिवेट करता है और आकाशी फुरोको दानी को। फिर फुरोको दानी स्पाइक करके स्कोर कर लेती है। फुरोको दानी का कोच कहता है कि बोकुटो शांत नहीं है, जिस पर बोकुटो स्कोर नहीं कर पाता और भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और आकाशी बोकुटो को देखकर फिर बोकुटो कहता है कि आकाशी अब उसके लिए सेट नहीं करेगा, जिस पर उसकी टीम जानती है कि बोकुटो जब फ्रस्ट्रेट होता है तब ये हमेशा यही बोलता है। फिर दाइची कहता है कि यही टाइम है और कागेयामा हिनाता से कहता है कि हम फास्ट अटैक करेंगे दोबारा। मैच कंटिन्यू होता है और बोकुटो को बॉल नहीं मिल रही होती और दोनों टीम्स स्कोर करती हैं और आकाशी सैटर डंप यूज़ करके स्कोर करता है। फिर कारासुनो में सब अपना अपना दिमाग लगा के फुरोको दानी के अटैक्स को एनालाइज करते हैं। फुरोको दानी सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है मैच जीतने के लिए। फिर आकाशी बॉल सेट करता है और बोकुटो स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर फुरोको दानी के प्लेयर्स बोकुटो की तारीफ करते हैं, जिससे बोकुटो मोटिवेट हो जाता है। फिर असाही माफ़ी मांगता है कि उसका लास्ट सर्व अच्छा नहीं था, जिस पर उकाई असाही को समझाता है और टकेड़ा भी आकर कारासुनो को मोटिवेट करता है। फिर नेक्स्ट डे हिनाता कागेयामा ये एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर उस दिन सब बाहर लंच कर रहे होते हैं, जहां सब तैयार हो जाते हैं खाना खाने के लिए और नेकोमा का कोच उन्हें ये ट्रीट देता है और सब मज़े से खा रहे होते हैं और बाकी लड़के लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं। फिर कुरो बताता है कि पूरे जापान में टॉप 3 एस कौन कौन से हैं, जिसमें वो बताता है कि उशिवाका, किरियू और साकुसा और बोकुटो टॉप 5 में से एक है। फिर शाम होती है और कारासुनो वापस जाती है और समर ट्रेनिंग कैंप ख़त्म हो जाता है, जिसमें सब कारासुनो के कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर रात में सुकिशिमा घर जाता है और वो देखता है कि उसका भाई भी वहाँ है। सुकिशिमा पूछता है कि तुम अभी भी वॉलीबॉल खेलते हो, जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ, और वो टीम में भी है दूसरे स्कूल के। फिर उसका भाई बताता है कि जब सुकिशिमा ने उसको स्टेडियम में देखा था तो उसे रिग्रेट हुआ था कि उसने झूठ बोला, पर उसने मेहनत की और उसे मज़ा आने लगा, जिस पर सुकिशिमा बोकुटो को याद करता है और स्माइल करता है। फिर उसी रात हिनाता और कागेयामा ग्रैंडपा उकाई के पास प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमें डेड टैक्स से आवने को दिखाया जाता है
और जोसाई से ओइकावा जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हमें और भी न्यू टीम्स को दिखाया जाता है और उशिवाका को भी, और स्प्रिंग नेशनल टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कारासुनो के सभी मेंबर्स को एंजाइटी होती है, और हिनाता को वॉशरूम में ओगी साउथ टीम का प्लेयर मिलता है, और फिर कारासुनो का मैच स्टार्ट होता है और कारासुनो का फर्स्ट मैच इन्हीं के साथ होता है। फिर ओकाई और टकेडा कारासुनो को मोटिवेट करते हैं, तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ओकाई भी वहाँ आते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है और असाही सर्व करता है और डायरेक्ट स्कोर कर लेता है, जिसमें सामने वाली टीम और कारासुनो सब शॉक रहते हैं। फिर इन्हीं के बीच ऐसे ही मैच चलता है और ओगी साउथ का प्लेयर टिप करने की कोशिश करता है पर दाइची कवर कर लेता है। फिर कारासुनो स्कोर करते रहते हैं और कारासुनो को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है जीतने के लिए पहला सेट। फिर हमें ओगी साउथ का पास दिखाया जाता है जहाँ ये एक टीम शिरातो रिजावा से हार जाती है और उसका कैप्टन जो होता है वो हिनाता है, वो वॉशरूम में मिला था, वो गिव अप कर देता है, पर उसी टीम का प्लेयर उन्हें मोटिवेट करता है, लेकिन बाद में वो खुद अकेले रो रहा होता है और उसी का कैप्टन उसे देखता है। वो प्रेजेंट के टाइम वो बॉल हिट करता है पर निशिनोया कवर करके हिनाता स्पाइक करके स्कोर कर लेता है और कारासुनो ये सेट जीत जाती है। फिर ओगी साउथ का कैप्टन हैरान रहता है। फिर ब्रेक होता है और ओगी का वही प्लेयर दिखाया जाता है पर वो खेल नहीं रहा अभी। फिर हमें पता चलता है कि वही कैप्टन है ओगी साउथ का, ना कि वो लंबे बाल वाला, और वो कैप्टन उन्हें मोटिवेट करता है पर उसी के टीम वाले उसी से मज़े ले रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कारासुनो सेट टू में भी ज़्यादा स्कोर कर लिए होते हैं और ग्रैंडपा ओकाई उन्हें देखकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं। फिर कागेयामा बॉल सर्व करके स्कोर कर लेता है और फिर कारासुनो को फिर से दोबारा एक पॉइंट चाहिए होता है ये सेट जीतने के लिए। फिर कागेयामा सर्व करता है पर ओगी साउथ का प्लेयर बचा लेता है, पर फिर हिनाता स्पाइक करता है और स्कोर कर लेता है और कारासुनो का ये मैच जीत जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ओगी साउथ का प्लेयर कैप्टन आके सबको मोटिवेट करता है और बाकी प्लेयर्स उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर हिनाता और याची ये दूसरी टीम को देख रहे होते हैं, जिसमें काकुगावा नाम की टीम जीत जाती है और उसमें एक प्लेयर की हाइट 2 मीटर लंबी होती है, जिससे हिनाता, याची, तनाका, असाही ये सब शॉक रहते हैं। फिर काकुगावा और कारासुनो दोनों टीम्स कोर्ट में आती हैं, जिसमें हिनाता डर रहा होता है उस लंबे लड़के से, और ग्रैंडपा ओकाई कहते हैं कि लंबी हाइट होना अपने आप में एक वेपन है, अब देखना यह है कि कारासुनो इनसे कैसे निपटेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, तुम्हें यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।